नॉन म्यूचुअल फंड। अब हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अगर सेविंग कर रहे हैं, उस पर अगर टैक्स की बात ना हो तो ये बेमानी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की निगाह होती है कि भैया हमारे कितने सारे टैक्स पेयर हैं और गवर्नमेंट बोलती है यार आपकी इनकम इतनी है ताकि आप हमें कुछ पैसा दें जो कि हम जनहित में जनकल्याण में उसको खर्च कर सके, मेन मोटिव ये है। लेकिन अब इसका दुरुपयोग कैसे होता है उस पर तो चर्चा बड़ी लंबी लंबी हो जाएगी, बट हम फिर भी देख लेते हैं टैक्स कितने टाइप से लोग देते हैं। और टैक्स देते हैं दो टाइप से लोग, एक देते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि आज 1.25 करोड़ की आबादी में से केवल 4 करोड़ के आसपास लोग सिर्फ टैक्स पे करते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को, जो चालाक किस्म के लोग होते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं और आँख मिचौली की टैक्स डिपार्टमेंट में, और उसके बाद में उन बंदों के बीच में आँख मिचौली का खेल चलता है। चलिए हमने उस पचड़े में नहीं पड़ता है। इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स हम किसी, जिसको आप प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, वो हर कोई देता है। जैसे आप फ़ोन को रिचार्ज करवाते हैं आपका 18% GST लग जाता है, कहीं पर भी कोई सामान लेते हैं तो उस पर आपका चार्ज लग ही जाता है, माचिस की डिब्बी भी आप लेते हैं उस पर भी चार्ज लग जाती है, कुछ भी आप लेते हैं तो उस पर जो है आप प्रत्यक्ष कर सरकार लगा ही लेती है, क्योंकि सरकार को अपने खर्चे चाहिए, अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए चाहिए, प्लस जन कल्याण के लिए धन चाहिए, तो ये मेन मोटिव है टैक्सेशन का। और दूसरा, आप जो सेविंग कर रहे हैं ना उस पर आपको, इसको मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेन मोटिव क्या है कि आप अपने टैक्स की बचत कहां से करेंगे, मेन ये है। बाकी कैसे कटना है, क्या कटना है, आप लोग सब अगर वीडियो देख रहे हैं तो समझदार हैं। तो आपका जो आपने सेविंग करी हुई है, अगर उस पर आपको 40,000 से ज़्यादा एनुअली आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पर सरकार, आप जिस भी टैक्स के स्लैब में आते हैं उस पर उतना परसेंट सरकार काट लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीनियर सिटीजन को थोड़ी सी और छूट है, वो अलग बात है, बट अभी आप उसके लिए काम करिएगा। मेरी सलाह क्या है कि आप अपने बैंक में, हालांकि मैं इस साल में, आप 2 साल से मैं खुद नहीं दे पाया हूँ, इसका भुक्त भोगी रहा हूँ, मैं अपनी बात को कन्फेस कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं दे पाया हूँ, बट इस साल मैं दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारा उस पर आपका क्या होता है कि वो जो बैंक वाले चालबाजी कर लेते हैं, देखते हैं कि हाँ आप सीधे हैं, शरीफ हैं, वही कोई जा करके, जिनको पता है बैंक वालों को, ये आएगा अभी हमारी, ये वो कर देगा ना, उसको मैसेज भी करेंगे, उसका फॉर्म भी भर देंगे, उसका मेंशन कर देंगे, ठीक है ना, और आपका नहीं करेंगे। तो अभी मेरे से अकाउंट थोड़ा सा दूर हो गया, उसको मैं पास में बुलवाता हूँ, 15G पक्का दे देना यार, तो उससे थोड़ी सी आपको छूट मिल जाएगी। बाकी तो आप अपना जब असेसमेंट देंगे तो असेसमेंट में आप देते ही देते हैं, तो ये बिना मतलब का ये जो है, ये जो TDS है ना जो बैंक वाले काटते हैं, ये बहुत बड़ा बकवास है ये। जब आप हर साल अपनी इनकम को शो कर रहे हैं तो ये फिर दोहरी मार हो जाती है, फिर उनसे लो, फिर क्लेम करो, ये करो वो करो, तो इसमें नहीं फंसना, 15G पक्का दे देना। और कोशिश करना है कि जैसे आप कर रहे हो तो पार्ट में FDs करनी है, जैसे 5 लाख की करनी है तो एक साथ में नहीं करना है, 1 लाख की एक साल के लिए करनी है, 2 की दूसरे के लिए करनी है, 3 की तीसरे के लिए करनी है, मैंने आपको बताया हुआ था। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपकी एक तो इजी लिक्विडिटी बची रहती है, और दूसरा आप क्या आते हैं, इस टैक्सेशन के दायरे में आप नहीं आते हैं। ये आपको स्मार्टनेस आपकी बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। उसके बाद में आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, किसका, जापान का। अभी 1 तारीख को उनके यहाँ पर भूकंप आया था, बहुत ही तगड़ा भूकंप आया था, और लोगों ने उससे बचने के लिए, उनके टोक्यो एयरपोर्ट पर एक प्लेन खड़ा था, उस प्लेन में राहत सामग्री लदी हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश 359 पैसेंजर से भरी हुई एक दूसरी प्लेन जब लैंड करती है तो उससे टकरा जाती है, टकराने के बाद में उसमें आग लग जाती है, आग लगने के बाद में अफरा तफरी की स्थिति उसमें नहीं मचती है, और उनके नागरिक इतनी आराम से निकल जाते हैं कि वो काबिले तारीफ है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उसकी तारीफ हो रही है। जो उनका अनुशासित नागरिक है ना, वो जो उन्होंने अनुशासन की मिसाल पेश करी है, एक्चुअली उनके किसी भी बंदे ने अपनी सीट को नहीं छोड़ा है, भगदड़ नहीं मचाई है, और जो उनकी क्रू की मेंबर अनाउंस कर रही है उसको उन्होंने बड़े ध्यान से सुना है, और बड़े ही अनुशासित वे में एक दरवाजा प्लस एग्जिट जो है, जहां पर आग लगी थी, जिधर से निकला नहीं जा सकता था उधर आग लगी हुई थी, दूसरे रास्ते से क्रोल करके निकलना था, और जबकि 1 मिनट 30 सेकेंड में उनके सारे बंदे, 90 सेकंड में पूरे बंदे क्रोल करके बाहर निकल गए हैं। क्या मिसाल उन्होंने पेश करी है दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप समझिए, जो छोटा सा थोड़ा सा सामान साथ में ले जाने के लिए प्लेन में अलाउ होता है, वो सामान कितना वैल्यूएबल सामान होता है, आपका लैपटॉप होता है, आपका मोबाइल होता है, आपकी कोई भी वैल्यूएबल चीज़ होती है, लेकिन किसी बंदे ने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया। ये देखिए, उनको ये ट्रेनिंग किसने दी थी, क्या सारे ट्रेंड थे, क्या सारे अनुशासित थे,
अब ये परंपरा अगर जो उन्होंने मिसाल पेश करी है वो भारत में हमारे क्यों नहीं हो सकता है, ये जरूर आप लोग सोचिएगा दोस्तों। ये आपको बताना बहुत जरूरी था क्योंकि टैक्सेशन का मुद्दा है। टैक्सेशन का मुद्दा ऐसा है कि सबको बढ़ चढ़ करके और एक रास्ते में सबको साथ लेना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा उस कबूतर वाली कहानी सुनी होगी, जब बहेलिए के झांसे में आकर के कबूतरों का झुंड फंस गया, जो कि उनका सरदार मना कर रहा था नहीं इसमें नहीं जाना, लेकिन ये युवा की वजह से फंस गया था। उसने बोला ठीक है तुम लोग आ तो गए हो, अब तुम फंस गए हो, एक काम करो सारे के सारे एक दिशा में उड़ो और पूरे जोर लगा करके उड़ो, ताकि उसको जाल को लेकर के ही उड़ गए वो। तो इस प्रकार से अगर यूनिटी रहेगी, अनुशासन रहेगा ना, तो वो देश जापान के जैसे तरक्की करेगा। मैं भी चाहता हूँ यार मेरा देश भी तरक्की करे, मेरा भारत भी तरक्की करे, मेरे नागरिक भी इसी प्रकार से अनुशासित हों। जब भी कोई ऐसी व्यवस्था है, हालांकि यूनिटी तो हो जाती है भारत में, लेकिन फिर भी दोस्तों एक के ऊपर भार न रहे, सबके ऊपर भार है। अब चलिए टैक्सेशन ऑन दी म्यूचुअल फंड। टैक्सेशन ऑन दी म्यूचुअल फंड में सबसे पहला आपका एग्जिस्ट लोड आपके समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जिस्ट लोड एक क्राइटेरिया होता है। दो टाइप के फंड हो जाते हैं, एक ओपन एंडेड फंड हो जाता है, एक क्लोज एंडेड फंड हो जाता है। क्लोज एंडेड फंड में आपका टाइम बाउंड हो जाता है और वो वहीं पर ही, उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है एक बार जब उसकी विंडो लॉक हो जाती है। बट ओपन एंडेड में क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट चलता रहता है। बट इसके साथ क्या होता है, अगर आप एक साल से पहले रिडीम करते हैं, जो भी उसमें फंड ने दिया, किसी किसी फंड ने दो साल का भी दिया हुआ है, अगर आप उससे पहले रिडीम करते हैं या एग्जिट करते हैं, तो आपके ऊपर एग्जिट लोड लगता है, वो 1% से लेकर के 2% तक हो सकता है। ये आपके ऊपर म्यूचुअल फंड की AMC लगाती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आपकी हर SIP जो है ना वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। सपोज करिए आप 12 इन्वेस्टमेंट आपने किया है, तो जो आपकी लास्ट SIP है जब उसका एक साल होगा, तभी आपका जाकर के एक साल पूरे का कंप्लीट माना जाएगा, आपको आपके ऊपर एग्जिट लोड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बताना मेरा फर्स्ट था, ये आप जरूर समझिएगा। दूसरा आपके ऊपर SDCG लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अगर आप एक साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपके ऊपर 15% का फ्लैट, जो भी आप अर्न करते हैं उस पर 15% का फ्लैट आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। आप किसी भी दायरे में आते हो उससे आपको लेना देना नहीं, चाहिए 5% के दायरे में, 10 में आते हो, 20 में आते हो, 30 में आते हो, जिसमें भी आते हो आपके ऊपर लग जाएगा। दूसरा होता है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके ऊपर लगता है। ये आपके ऊपर वो लगता है जब आपने एक साल से ज्यादा अपने पैसे को रखा हुआ और 1,00,000 तक इसके ऊपर रिबेट है। अगर आपको 1,00,000 से ज्यादा जितना आप गेन कर रहे हो उस पर आप किसी भी टैक्स के दायरे में आते हो, उससे नहीं लेना देना है, 10% ही आपके ऊपर टैक्स लगेगा। सो भाई मैं इसीलिए भी म्यूचुअल फंड को अच्छा मानता हूँ कि अगर जो 20% 30% के दायरे में आ रहे हैं, उन्होंने 1,00,000 तो ऐसे ही रिबेट ले लिया है अपनी अर्निंग में, और उसके बाद में उनका टैक्स का भी रिबेट खाली कितना लग रहा है, 10% का लग रहा है। और वो भी एक बात आपको रोचक बात बता दूं, जो कि नए होंगे, जो कि ज्यादा जिनको पता नहीं होगा, ये हमारे अरुण जेटली साहब ने, उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था। उससे पहले इक्विटी की जितनी भी सेविंग थी जोखिम के अधीन मान करके, और उसके बाद में ये इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, बट अभी लगना शुरू हो गया। दूसरा आपको एक टिप बता दूं यार, आप प्रॉफिट बुकिंग हर साल करना। जैसे ही आपका 1,00,000 रुपया हो जाता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करना ही करना। 50,000 भी हुआ तो भी प्रॉफिट बुक करके और उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दो, ये आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि आप उससे क्या होता है कि आप अगले साल आपके कैपिटल में ऐड हो जाता है और उस पर आपको प्रॉफिट पर ही, क्योंकि आपको पता है टैक्स लगना है, तो ये किस में चला जाएगा, आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो इसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों। तो ये आपको पक्का पता होना चाहिए, ये बताना मेरा फर्ज था और ये बताना मेरा उद्देश्य था, ठीक है ना। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग होगा। दूसरा आपको बता दूं यार, अगर आप क्रिप्टो में किसी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ ना, तो उस पर गवर्नमेंट की बड़ी सख्त रूलिंग है, 30% आपको, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे आपका लॉस हो, चाहे आपका ना हो, आपको देना ही देना पड़ेगा। तो अवॉइड करो यार उसको, इंडियन उसमें अपना पैसा डालो, सेफ एंड सिक्योर रहो, और बाकी आपकी मर्जी यार, पैसा आपका है, आप कहाँ इन्वेस्ट करो कहाँ नहीं करो। बट आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है था, ताकि आपका टैक्सेशन समझ में आना चाहिए कि मेरे ऊपर ये टैक्स लगेगा, ये मेरा ये दायरा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है सब।